नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय एडवोकेट के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के बारे में हम बातचीत करेंगे। यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें अगर करंट अफेयर्स का पोर्शन है तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो सेशन में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में, और बातचीत करते करते हम पहुंच जाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024 तक, जो शुरू होने जा रहे हैं 26 जुलाई से और जिनका समापन होगा 11 अगस्त को। इसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय परिदृश्य से भी और राजस्थान के परिदृश्य से भी, यानी कि कितने खेलों में कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनका संबंध कौन से खेल से है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में। इसके लिए आपको आज से 600, 700, 800 साल पीछे जाना होगा। एक बार आपको यह सोचना पड़ेगा कि जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जब राजतंत्र था, उस समय कौन कौन से खेलों का आयोजन करवाया जाता था। मुख्य खेलों में अगर बातचीत करें तो कुश्ती आप उसमें ले सकते हैं, रथ दौड़ उसमें आप ले सकते हैं। ये खेल धीरे 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 आगे बढ़ते गए और इनमें डेवलपमेंट हुआ, ये खेल विकसित हुए, खेलों का विकास हुआ। खेलों का विकास होते होते आज मैं बातचीत करूंगा आपके सामने 1896 की। ये बात है ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस के बारे में। 1896 की बात है, एथेंस के अंदर कुछ गेम्स का आयोजन होता है और वो आयोजन होता है ओलंपिया नाम के एक पर्वत पे। खेलों का आयोजन इतना जबरदस्त होता है कि उस इवेंट का नाम ही पड़ जाता है ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स की शुरुआत दोस्तों मानी जाती है 1896 से। चलिए थोड़ा और विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में जानते हैं। 1896 ईस्वी ग्रीस की राजधानी एथेंस में ओलंपिया पर्वत के ऊपर पहली बार आयोजन हुआ। ओलंपिया नामक पर्वत पर आयोजन होने की वजह से इनका नाम पड़ा ओलंपिक्स। इसमें 14 देशों ने भाग लिया। 1896 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 14 देशों ने ही भाग लिया था। और अब जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 2024 वाले ओलंपिक्स, इसमें कितने देश भाग लेंगे? 206 देश। इसमें 206 देश भाग लेंगे। आगे देखते हैं, खिलाड़ी थे इसके अंदर 200 और अब जो ओलंपिक होने जा रहा है इसमें खिलाड़ी 10,000 से भी अधिक हैं। इसमें खेल थे 43 खेल इसमें हुए थे। फिर बातचीत करेंगे हम आईओसी के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसकी स्थापना 1894 के अंदर हुई थी, यानी कि जिस साल ओलंपिक हुए थे उससे जस्ट 2 साल पहले इस समिति की स्थापना हुई थी। इस समिति की जिसने स्थापना की थी उनका नाम था बैरन पीएरेडी। इसका गठन किया गया था स्विस नागरिक संहिता अनुच्छेद 60 से लेकर 79 तक। मुख्यालय जो है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। वहीं अगर बातचीत की जाए वर्तमान अध्यक्ष की तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। आप ये 2-3 चीजें जरूर याद रखोगे। 1894 के अंदर आईओसी की स्थापना हुई, स्थापना की थी बैरन पीएरेडी ने, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। चलिए हम आगे बातचीत करेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की, जो 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं, हर 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। पहली बार एथेंस के अंदर हुए थे 1896 के अंदर। इसके बाद अगर बातचीत करें तो कौन से देश के अंदर कितनी बार ओलंपिक कौन कौन सी सन में हुए हैं, तो एक बार आप ये चीजें और जरूर देख लोगे। जैसे सबसे पहले यूएसए के अंदर 4 बार हुए हैं, यूके के अंदर 3 बार हुए हैं, ग्रीस में 2 बार, फ्रांस में 2 बार, जर्मनी के अंदर 2 बार, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 बार और जापान के अंदर भी ये 2 बार हुए हैं। फिर देखें 2024 तीसरी बार अब फ्रांस में होंगे, क्योंकि फ्रांस में यह 2 बार हो चुका है, एक तो 1900 के अंदर और एक 1924 के अंदर। अब वापस से होगा 2024 में, यानी कि 100 साल बाद फिर से होने जा रहा है फ्रांस के अंदर तीसरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। फिर बातचीत की जाए कि 2028 का कहां होगा, तो यह होगा लॉस एंजलिस के अंदर। फिर 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा क्वींसलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। तो आप ये दोनों फैक्ट भी इसके साथ में याद रखोगे, 2024 के साथ में आप याद रखोगे कि 2028 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन होगा क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बातचीत करें शीतकालीन ओलंपिक्स के बारे में, तो ये भी 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं।
पहली बार इनका आयोजन हुआ था 1924 के अंदर सेमोनिक्स फ्रांस। अब इनका नाम शीतकालीन ओलंपिक इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ गेम्स होते हैं जिनको बर्फ के ऊपर खेला जाता है, जैसे आइस स्केटिंग वगैरह इस तरह के कुछ गेम्स होते हैं, तो उनका आयोजन इसमें किया जाता है। इसमें भी अगर बातचीत करें तो यूएसए में 4 बार, फ्रांस के अंदर 3 बार, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार, कनाडा के अंदर 2 बार, जापान में 2 बार, इटली के अंदर 2 बार, नॉर्वे के अंदर भी 2 बार और स्विट्जरलैंड के अंदर भी 2 बार इनका आयोजन हो चुका है। फिर अगर बातचीत करें प्रतीक और उद्देश्य के बारे में, तो ओलंपिक का जो प्रतीक है आपने देखा होगा 5 रिंग्स होती हैं, इसमें 5 रिंग होती हैं, अलग अलग कलर की वो रिंग्स हैं, क्योंकि ओलंपिक के अंदर जितने भी देश भाग ले रहे हैं, लगभग 200 देश ओलंपिक के अंदर भाग लेते हैं, और ये जो 200 देश हैं इनके जो झंडों का कलर है, उनके झंडे के कलर के अंदर इन 5ों रिंग्स में से कोई ना कोई एक कलर तो पक्का ही मिलेगा। दूसरी बात अगर की जाए तो जो 5 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी एकता को ये रिंग प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये रिंग्स जो है ये आपस में इंटरलॉक हुई रहती हैं। आप देख सकते हैं इनको आपस में ये सारी की सारी रिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो देखिए ओलंपिक प्रतीक जिसे ओलंपिक रिंग के रूप में जाना जाता है, इसमें 5 इंटरवेटेड रिंग होते हैं जो 5 बसे हुए महाद्वीपों की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बातचीत करें तो ओलंपिक का जो ध्वज था उसे 1914 के अंदर अपनाया गया था, ध्वज को 1914 में अपनाया गया, लेकिन बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार यह ध्वज फहराया गया था, अपना लिया था इसको 1914 के अंदर, लेकिन इसको अपनाया गया था बेल्जियम के अंदर 1920 में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उस समय इस ध्वज को फहराया गया। चलिए आगे देखते हैं ओलंपिक का जो उद्देश्य है, उद्देश्य में आप देखेंगे सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस, ये 3 नाम आप देखते हैं। इनका जो अर्थ है सीटीएस का तेज, एलटीएस का उच्च और फोर्टीएस का मजबूत, इन शब्दों का यह अर्थ है तेज, उच्च और मजबूत। इसका प्रस्ताव 1894 में पियरे डी कुर्पटीन ने दिया, जिसे 1924 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। 1924 में ये जो उद्देश्य है ओलंपिक का सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस, इसे 1924 के अंदर इसको आधिकारिक तौर पे अपनाया गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अब हम बातचीत करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो अब की बार मोटो क्या रहेगा ओलंपिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। इस बार ओलंपिक्स का मोटो रहेगा गेम्स वाइड ओपन। इसके बाद में दूसरी अगर हम बातचीत करें तो इस बार देश भाग लेंगे 206, टोटल खिलाड़ी होंगे 10,714, टोटल खेल होंगे 32 प्रकार के खेल होंगे, और 32 प्रकार के जो खेल हैं इनमें ब्रेक डांस जो है इस गेम ने डेब्यू किया है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि ब्रेक डांस के अलावा और कौन कौन से गेम्स ने इस बार ओलंपिक्स के अंदर डेब्यू किया है। इसका प्रारंभ हुआ था 26 जुलाई को, इसका सॉरी प्रारंभ होगा 26 जुलाई को और इसका समापन होगा 11 अगस्त को। डेब्यू खेल ब्रेकिंग, ब्रेक डांस और शुभंकर की अगर बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मस्केट। आप यहां पे एक तस्वीर देख रहे होंगे, यह एक कैप है और इस कैप के ऊपर गोल्डन कलर में अब की बार ओलंपिक्स का एक लोगो भी लगा हुआ है, तो यह इसका शुभंकर है, शुभंकर का नाम रहेगा द मस्केट। चलिए अब थोड़ा सा भारत के परिदृश्य में हम ओलंपिक्स की बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कुल 16 खेलों में 117 खिलाड़ी भाग लेंगे, इन 117 खिलाड़ियों में से 47 तो महिलाएं हैं और 70 इनमें पुरुष हैं। सबसे अधिक भाग लेंगे एथलेटिक्स गेम्स के अंदर, एथलेटिक्स में टोटल भारत से 29 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आगे देखते हैं ध्वजवाहक अब की बार रहेंगे शरत कमल, जिनका संबंध है टेबल टेनिस से, और पीवी सिंधु, जिनका संबंध है बैडमिंटन खेल से। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे कि 2024 पेरिस में जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें ध्वजवाहक कौन है भारत के, शरत कमल और पीवी सिंधु। राजस्थान के खिलाड़ियों की अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान से 2 खिलाड़ी गए हैं, महेश्वरी चौहान महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी है अनंतजीत सिंह नरुका। इन दोनों का संबंध ही निशानेबाजी खेल से है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं जल्दी ही अगले इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।